दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं डेली यूट्यूबर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विंडोज के अंदर जितने भी कैच फाइल है उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं, विंडोज के अंदर जितना भी हम लोग का टेम्पररी फाइल्स रहता है वो सारा चीज़ कैच होकर रहता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसको कैसे हम रिमूव करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी तरीका है करके देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है विंडोज के अंदर, और आने के बाद ड्राइव में जाएंगे दिस पीसी के अंदर। अगर आप विंडोज 7 देख रहे हैं तो आप माई कंप्यूटर के अंदर जाना है, और 10 है तो दिस पीसी में जाना है। यहाँ पे हमें सी ड्राइव में जाना है, और सी ड्राइव में सिंपल सा हमें कहीं नहीं जाना, विंडोज करके एक फोल्डर होगा उसके अंदर जाना है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेरा फाइल है, और यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड के अंदर जितने भी फाइल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मेरा जितने भी 1.0 GB का है। तो इसको आज हम लोग इसको रिमूव करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट नॉर्मल डिलीट करने से वो क्या होगा ना, आपका रिसाइकल बिन में जाएगा। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट और डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको दोनों एक ही साथ प्रेस करने के बाद यहाँ पे डिलीट दिखाएगा, जो सीधा डिलीट होगा और आपको दिखाएगा नहीं, जो रिसाइकल बिन है उसमें ये फाइल जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी फाइल्स था ये मेरा अभी रिमूव हो चुका है। यहाँ से जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप इसको क्लोज करिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे टेम्पररी फाइल्स में। विंडो की प्लस आर की हमें प्रेस करना है, यहाँ पे टाइप करना है टेम्प TEMP। जैसे हम टेम्प फाइल में जाएंगे विंडोज के अंदर, आप देख सकते हैं दिस पीसी सी ड्राइव विंडोज टेम्प के अंदर है। इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करते हुए शिफ्ट और डिलीट दबा रहे हैं। इसमें से कुछ फाइल जो कि अभी टेम्पररी फाइल्स रनिंग होगा वो डिलीट नहीं हो पाएगा। अगर आपका डिलीट हो जाता है तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर से वो विंडो की प्लस आर की पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो टेम्प है यहाँ पे पहले परसेंटेज का सिंबल दीजिए, फिर यहाँ पे TEMP दीजिए, फिर यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देने के बाद इसको फिर से एंटर करिए। और ये जो है हम लोगों का जो लोकल ड्राइव में होता है उसमें से ये टेम्पररी फाइल्स है। इसमें से कुछ फाइल अभी रनिंग होगा जो कि अभी फिलहाल हम लोगों का डिलीट नहीं होगा। हमें सिलेक्ट ऑल करते हुए, अच्छा मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है तो जिसके चलते मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ। इसको तो हम बाकियों को सारा को डिलीट करेंगे। कुछ फाइल जो कि अभी फिलहाल रनिंग में है वो डिलीट नहीं होगा, बाकी सारा ड्राइव जो कि फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का टेम्पररी फाइल्स का। इसके बाद विंडो की प्लस आर की पे फिर से प्रेस करना, और यहाँ पे प्रीफेस लिखना है PREFETCH। इतना देने के बाद आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, उसको कंटिन्यू कर देना है। जितना ही प्रीफेस के अंदर सारा फाइल है हमें डिलीट कर देना है। यहाँ पे 266 फाइल है, यहाँ पे शिफ्ट और डिल दबाइए और यहाँ पे यस करिए। ये हमें फाइल्स कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं होगा यानी कि वो करंट में अभी रनिंग हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा। अभी ये मेरा डिलीट हो चुका है प्रीफेज से। इसके बाद हम लोग ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जिसमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस एच की प्रेस करेंगे, यानी कि हिस्ट्री में जाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। जितना भी मेरा हिस्ट्री में डाटा है हम सारे चीज़ को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जितना भी कैचेस फाइल है सारा A to Z सारा चीज़ हम लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोफिल, पासवर्ड, साइट, होस्टिंग ऐप डाटा और बेसिक भी जितना भी है यहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी ये मेरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ से भी ओपन करना है। तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद जितना भी है यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ सिलेक्ट रखना है, लास्ट वार के जगह ऑल टाइम पे देना है। इसमें यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड, पासवर्ड, ऑटोफिल, डाटा, साइट परमिशन, अलाउ ऑल द प्रीवियस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज, फाउंडेशन डाटा करने के बाद आप यहाँ पे क्लियर नाउ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ से मेरा जितना भी था सारा डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे प्राइवेसी में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से लोकेशन करके होगा, लोकेशन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम लोकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे
कैचेस कुछ फाइल्स है, इसको हमें डिलीट करना है, क्लियर कर देना। अब ये टिक मार्क आ चुका है, यानी कि मेरा जितना था सारा रिमूव हो चुका है। ये होने के बाद हमें यहाँ पे सीएमडी टाइप करना है, रन में जाना है, और यहाँ पे हम सॉरी सर्च में जाने के बाद सीएमडी टाइप कर देना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है ipconfig, और इसके बाद हमें फॉरवर्ड स्लैश देना है फ्लश DNS करके टाइप करना है FLUSH DNS। जितना भी DNS का फाइल कैच करके रखा होगा ये फ्लश यानी कि सारे को हटा देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली फ्लश द DNS रिसोल्वर कैचेस। तो यहाँ पे ये होने के बाद हमें इसको कंप्लीट हो गया है, ये अभी हम इसको क्लोज करेंगे। और इसके बाद हमें सर्च में जाना है, सर्च में हम यहाँ पे टाइप करेंगे CLEAN। जैसे हम क्लीन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा क्लीन डिस्क, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आ जाता है हमें यहाँ पे सी ड्राइव सिलेक्शन है, इसको ओके करेंगे। सबसे पहले क्लीनअप का जो कैलकुलेशन है वो देख लेगा, और इसके बाद हमें फिर दे देगा कौन सा फाइल को इसको रिमूव करवाना है, तो हमें अपना जो चॉइस के हिसाब से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, यहाँ पे कुछ फाइल है, विंडोज जेरो प्रीफेज वो है, डायरेक्ट एफएक्स शार्प कैचर है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजिंग है, लैंग्वेज रिसोर्स है, रिसाइकल बिन है, और आपका टेम्प्रेरी फाइल्स है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकल 3.4 GB का है, जबकि मेरा रिसाइकल में उतना कुछ फाइल है नहीं। तो यहाँ पे जितने भी है इसको हम रिमूव करें, 4.5 GB का है, और यहाँ पे इसको हम ओके करें, डिलीट फाइल्स पे क्लिक करें। दोस्तों अभी यहाँ से हम लोगों का फाइल जितना भी था ये सारा चीज़ अभी डिलीट हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।